यमुना उस दिन को ईद मना लिया गया, नबी की पैदाइश के दिन को ईद मिलाद मना लिया। श्री कृष्ण पैदा हुए तो अगर ईद मना लिया जाए उस दिन को जिस दिन आप पैदा हुए रबीउल अव्वल के महीने में पीर के दिन, उस दिन को अगर हम लोग रोजे की यौम ईद मान ले बना ले तो हरज क्या है? खुशी की बात है, बना ले तो हरज है, मनाए। बोलो भाई हरज है? देखो हरज है क्यों? दलील दलील किस तरह وعن عبد الرحمن بن ابي بكر كان نبيا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهرا عيد رمضان وذو الحجه رواه البخاري في كتاب الصيام حضرت امام البخاري حديث پاک پائے سے داروں کا بیان والا ہے کتاب الصيام میں قال کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے جانتے ہیں عربی مہینے न तो 29 के होते या 30 के होते, न तो 28 के होते, न 31 के होते, बराबर। तो दो महीने कभी कम नहीं होते। क्या मतलब? अगर वो 29 के भी हो तो अल्लाह की निगाह में 30 के, 30 का सवाब मिलना है। दो महीने कम नहीं होते। और आपने शरे फरमाई है वो दो महीने कौन से हैं? शहरानी दिन, असल में शहराने हैं। और नहव का कायदा यह है कि जब इजाफत करते हैं उसको मुजाफ बना ले तो बीच से नून गिर जाता है, तो शहराने का दो महीने नून गिर गया, शहरा दिन ईद के दो महीने। सवाल यह है कि ईद के दो महीने को ईद नबी ने कितनी दी हमें? अरे बोलो भाई, महीने ईद के दो तो ईद कितनी दी? दो ही ना। अब अगर रबीउल अव्वल के उस दिन को जिस दिन आप पैदा हुए उसको यौम ईद बना लिया जाए या मान लिया जाए तो ये तो नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद करना हुआ। नबी ये कहें कि ईद के दो महीने होते, हम कहते कि रबीउल अव्वल का महीना भी ईद का महीना, तो तीन महीने ईद के हो गए। और नबी ने फरमाया ईद के दो महीने होते, ज्यादा ईद भी दो ही है, ज्यादा तीसरी ईद नहीं बनाइए। अच्छा एक सवाल और, ईद के दिन रोजा रखना कैसा है? जायज है भाई? रमजान का महीना गुजर गया, अब वो मीठी ईद है, सवैया खाने वाली है, और ज़िलहिज्ज को फिर अय्यामे तशरीक में और जो गोश्त की ईद है उस दिन रोजा रखेंगे, चलता रोजा रख सकते नहीं ना? ईद के अय्याम में रोजा नहीं रख सकते। और वो अबू कतादा आकर के पूछते हैं अल्लाह के रसूल, पीर के दिन के बारे में, रोजे के बारे में आप क्या बोलते हो? पीर के दिन जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन रोजा रखना कैसा है? आप फरमाते हैं कि उसी दिन मैं पैदा हुआ, उसी दिन मेरे ऊपर कुरान का नज़ूल हुआ, यानी मेरी पैदाइश के दिन रोजा रख सकते हो। बताओ अगर उसे ईद का दिन मान लिया जाए तो ईद के दिन तो रोजा रखना हराम होता है, नाजायज होता है। फिर से ईद के दिन कैसे खाया जा सकता? यह दूसरी दलील है नकली ईद मिलाद नबी के रसूल। आगे बढ़ो, आपका नाम क्या है, पैदा हुए आप मरे? आप जिस दिन पैदा हुए उसको ईद का दिन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए बात आपका नाम